अज पातण के डॉक्टर अशोक की दुकान पटियाला हस्पताल ते सेहत विभाग की स्टेट टीम ते छापेमारी की, जिस दौरान हस्पताल दे विच नशीलियां दवाइयां ते गर्भपात करन दा समान फड़न दा दावा किया गया। छापे दौरान हस्पताल दे विच तीन व्यक्तियों ते मामला दर्ज किया गया, जिस विच डॉक्टर अशोक ते उसका एक साथी मौके ते दबोच लिया है। उसकी घरवाली कोठे टप के बच्चे टेस्ट करने वाली मशीन लेके फरार होने का दावा किया गया है। फिर मेरे कैमरे तोड़े, फिर मेरा वो देखो पूरा लग्या हुआ पीसीआर वो खिंचया जी। उदू बाद इन्होंने मेरे नाल कुटमार की बहुत ज़्यादा 13 बंदियों के नाल, बाहर के बंदे ने कोई सरकारी मुलाजम नहीं उन्होंने, और उस तो बाद की रख के आए ने गोलियां लिया ने कितों लिया ने। मैं दावे नाल कहना मेरे तीन बच्चे ने, मैं तिना की कसम खा के कहना मैं अज तक कोई गोली बेची हो गोली रखी हो, मैं अज तक गोली के कभी नेड़े भी नहीं गया किसी के। ये मेरे नाल बिल्कुल धोखा होया है। रमेश दत्त ने मैं पैसे लेने ने, ये नाल मैं रल के काम करता रहा। ये बंदा झूठा डॉक्टर फड़ता है, रमेश दत्त, और ये झूठा फड़ता है और उन्होंने नजायज जिहड़े ने केस बनाउंदा। आप अपने फार्म च बुला के 40-40 लाख रुपया लेंदा, इन्हें 40 लाख रुपया डॉक्टर जोरी तो मेरे सामने लिया, और बिल्कुल ये झूठा मुकदमा है। ये सच्चाई निकली मैं अपना सिर कटा देंगे जो सच्चाई। बिल्कुल नहीं, कोई बंदा नहीं आया, इन्हों का ही बंदा है, इन्हें नहीं कटा मेरे तो बंदे का रंजे जा पुरानी। मेरे को कोई पैसा नहीं बरामद होया, ना मैं कोई टेस्ट किया है, ना मेरे को पुरानी की रंजे सर थोड़ी पुरानी मेरी पैसों की रंजिश है जी। मैं पैसे लेने किस तो? रमेश दत्त तो। रमेश दत्त कौन है वैसे? रमेश दत्त एक प्राइवेट एजेंसी बनाई हुई है पंजाब सरकार ने, जी बिल्कुल फ्रॉड है, धोखा करती है लोगों का, कोई ठगा का टोला। मैं मंग करता जी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कोई मेरे खिलाफ मेरे को गोलियां मिलिया हो ठीक है, मेरी लैब के गोलियां जरूर इन्होंने रख के मैंने फड़ाया, मेरा DVR ना तोड़ दे, मेरे कैमरे चगले हुए थे मेरे कैमरे च फड़ लेंदे आके, मैं मान लूंगा, मैं सिर कटा दूंगा जो मेरी गोलियां निकलियां। मैं इलेक्शन लड़न के नेड़े आ रहा जी, 10वें महीने इलेक्शन होनी है, ये सारा इलेक्शन की स्टंट है जी, इन्होंने मैंने झूठा बताया जी। ये पहला प्राइवेट बंदे आए ने जी, 13 बंदे, उन्होंने बंद ने आके मेरी कुटमार की है, मैंने उन्होंने बहुत ज़्यादा कुटिया, मेरा DVR तोड़ता आके, तो आके उन्होंने मेरे कैमरे जोड़े ने भी खोले, कैमरे बाहर टुट लगे हुए जी, बारे पास तोड़ के उन्होंने ले DVR आ DVR है जी, देखो इससे DVR लगे हुआ थे। अगर गर्भपात भी गलत तरीके लिंग निर्धारित करते हैं, गर्भपात करते हैं, उस संबंधी उन्होंने रेड की, जिस संबंधी सानू सलाह दी, असं मौके पर आके सू SMO पतना वालों एक लिखी कंप्लेट हासिल हुई है, जिस संबंधी असी कार्रवाई अमल में लिया के तीन दोषियों के खिलाफ इन्होंने सानू दी थी, उन्होंने दो असी गिरफ्तार कर लिया, तो बाकी अगली कार्रवाई असी करोगे PNDT तो NDPS के तहत असं मामला दर्ज कर रहे हैं जी। NDPS 1170 गोलियां बरामद कीतियां सी असीं, तो उसके तहत असं NDPS के तहत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो कुछ सानू औजार मिले ने जोड़े कि भी PNDT के तहत उन्होंने सानू डॉक्टर वालों सानू उन्होंने हैंडओवर किए ने, असं PNDT के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर। किन्ने व्यक्तियों के खिलाफ किड़े-किड़े के खिलाफ किया जी? तीन बंद खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, फिलहाल डॉक्टर अशोक कुमार से एक नैब सिंह संगरूर को ने उन्होंने असं गिरफ्तार कर लिया, ये संगरूर वाले साइड। तो तीजा जी? तीजा डॉक्टर अशोक कुमार की पत्नी है, उन्होंने असी अजय उन्होंने भाल जाए, मौके से फरार हो गई जी। हाँ जी हाँ।